अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने हमारी काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी ली है। मतलब हम काफी टाइम से आप लोगों के लिए काफी यूनिक टाइप की वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को इस बात का तो अच्छे से पता ही होगा कि यार हम जो डीलिंग करते हैं सबसे ज्यादा वो स्मॉल साइज पिज्जा ओवन से लेकर के रोटी ट्रॉली ओवन तक की हम इसके अंदर डीलिंग करते हैं। तो ठीक वैसे ही हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डबल डेयर आठ ट्रे वाले ओवन के बारे में, जो कि इसके ऊपर हम काफी टाइम पहले वीडियो भी बना चुके हैं, दो दो तीन तीन, और हर बार की तरह हम स्पंज वगैरह बनाते हैं। ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो के अंदर भी हम स्पंज बनाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो नया है वो यूनिक ये है कि इस बार जो आप लोगों को डबल डेक जो ट्रे ओवन वाला मिलने वाला है वो कितनी फिनिशिंग लेवल में देखने के लिए मिलने वाला है। आप खुद देखो वीडियो के अंदर जो इसका फ्रंट है और जो इसकी बॉडी ली गई है बहुत ही मिरर शीट बोलते हैं इसे, मिरर शीट स्टेनलेस स्टील बॉडी है ये, और इसके अंदर बनाया गया है इस बार डबल डेक ओवन। आप खुद देखो कितनी शानदार फिनिशिंग है। और रही बात ट्रे, तो ट्रे हम दिखाते हैं आपको, ट्रे कौन सी डालते हैं इसके अंदर। देखो ट्रे हम डालते हैं ये वाली, जो कि काफी भाई कहते हैं यार ट्रे का साइज छोटा होता है, कोई कोई कितना बड़ा होता है, तो ट्रे का साइज देखो ये होता है, पास में आके थोड़ा दिखाओ, ट्रे का साइज ये होता है 12x16 का ट्रे है ये, ठीक है ना। ये एक ट्रे है, इसके अंदर चार ट्रे आएंगी ऊपर, चार ट्रे आएंगी नीचे, टोटल आठ ट्रे आपकी इस ओवन के अंदर आती है। तो वीडियो के अंदर शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, इसके अंदर आज हम एक बार फिर से आपके लिए स्पंज बनाने वाले हैं। और जो मिक्सचर मशीन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 20 लीटर की, जिसके अंदर तीन गेयर हैं, जो कि हमारे पास ये भी अवेलेबल है, और ये रही वो हमारी मिक्सचर मशीन, ठीक है। साथ ही हम इसकी भी टेस्टिंग करेंगे, इसके अंदर हम आपको अंडा फ्राई वगैरह जो भी करके दिखाएंगे अभी जो माल बनने वाला है। और हम आपको दिखाते हैं जो माल कहां पर बन रहा है, आओ इधर आओ, ये रहा, ये देखो यहां पर माल की टेस्टिंग की तैयारी चल रही है, टेस्टिंग वगैरह की तैयारी चल रही है, इसके अंदर हम अभी ये काम करेंगे बॉक्स। तो बाकी अभी इसको खोल वगैरह के देखो, आप पास में जाओ थोड़ा सा, ये है अपना ये, ठीक है, ये इतना अंदर का स्पेस बनता है, आपको पता ही होगा यार हर बार आप वीडियोस देखते हो तो। और थोड़ा मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा 5 मिनट का सबर कीजिए, इसके अंदर टेम्परेचर वगैरह हम ठीक कर देंगे, अभी समझाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से, जब इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि कैसे टेम्परेचर वगैरह हम हर वीडियो में बताते हैं, फिर आज भी अगेन हम आपको बता देंगे, थोड़ा सबर कीजिए, 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं इसकी स्टार्टिंग। तो मिक्सर मशीन को आपको स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं अंडे इसके अंदर जो हम कर रहे हैं, दिखा दो एक बार। अब बंद करके हमेशा गियर डालो, एक बार बंद करो, नीचे गियर डालो, अभी तीन गियर डल गया आपका, दूसरा गियर अगर सबसे ऊपर करोगे तो तीसरा गियर डल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना गियर जब भी चेंज करो तो पहले मशीन को बंद कर लें, मशीन को बंद किया, सबसे ऊपर किया, ये डल गया आपका थर्ड गियर, अब ये स्टार्ट, देख रहे हो स्पीड कितनी शानदार है इसमें, ये तीन गियर के साथ 20 लीटर की मशीन है, मिक्सर मशीन। ये हम इसमें डाल रहे हैं घी, डालडा घी, ये हमारे साथ क्या हुआ, हम इसके अंदर चीनी डालना भूल गए थे, ठीक है, इसके अंदर चीनी डालना भूल गए, तो इसके अंदर चीनी घोलने के लिए हमने छोटी वाली मशीन निकाली है, तो इसमें चीनी घोल देते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर हम पलटेंगे, ठीक है। अब हम आपको ओवन के बारे में बता देते हैं थोड़ा बहुत। तो हर बार की तरह हम आपको बताते ही है कि ओवन को कैसे स्टार्ट करता है, कैसे नहीं स्टार्ट करना होता है। देखो पास में आओ थोड़ा, मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें एक मेन हल्की सी डोरी हमने निकाल रखी है, उसके अंदर आप बैटरी कैसे भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है, बस हमने ये स्टार्ट करना है। ये ऊपर का हमारा मीटर हो गया और ये हमारा टाइमर वगैरह हो गया, ये बजा रहे अपना, ऐसे ही सेम नीचे का डेक का होता है, नीचे का डेक का ये हो गया। अब हम क्या करना होता है, हमें इसके अंदर गैस को स्टार्ट करना होता है, सकल भैया गैस को स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे हम कैसे इसके अंदर गैस को स्टार्ट किया जाता है। तो अभी आप देखो,
लाओ फोन दो, ये हाथ यहाँ रखते हैं, ये हाथ इसको यहाँ रखा जाएगा हल्का सा, और नीचे से ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से सिंपल, सिंपल नीचे, ठीक है, सिमिलर ऐसी नीचे का होगा, ये हमारा बजर बोल गया है बेसिकली, ठीक है, इसे बजर को हटाओ, टाइमर कम था, ऐसे नीचे का जल गया आपका ये, बस और कुछ नहीं इसके अंदर, यही काम होता है, ये हमारा बजर बज गया था जो भी था, ठीक है, अब हो जाओ थोड़ा। और हाँ साथ ही मैं आपको बता दूं, जो हमारा ओवन है वो हीटिंग को पूरी कंप्लीट होने के लिए, मतलब कि 200 से 250 टेम्परेचर हमें इसके अंदर मैक्सिमम होना ही चाहिए, और वो जो टाइमिंग लेता है वो आपका 10 से 15 मिनट तो लेगा ही लेगा। और साथ ही गैस की जो कंजप्शन है, काफी भाई लोग बोलते हैं कि यार इसके अंदर गैस की कंजप्शन क्या है, तो आपका फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो दोनों है अगर आपका चलेगा तो स्टार्टिंग के एक घंटे के अंदर अंदर 600 ग्राम गैस लेता है, और उसके बाद जब ये हीटिंग हो जाती है और उसके बाद आप इसे धीमी लो पर कर देते हैं और एक घंटे प्रति घंटे के बाद आफ्टर वन आवर, तो वो हीटिंग प्रॉपर होने के बाद जो है फिर ये 400 ग्राम गैस लेता है, मतलब 200 ग्राम और भी कम लेता है, तो गैस की कंजप्शन इसकी लाइट से भी बहुत कम है, दैट्स व्हाई गैस की जो डिमांड है बहुत ज्यादा चल रही है। तो अब हम इसके अंदर 15 से 20 मिनट रुकते हैं, 15 मिनट रुकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद जब 250 टेम्परेचर हो जाएगा, अभी कितना है 44 है, मतलब टेम्परेचर अभी निरंतर बढ़ ही रहा है, जब ये हो जाएगा आपका 200 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद इसके अंदर हम माल बनाएंगे, और माल रखने के बाद वो आपका टाइमिंग लेगा 10 से 15 मिनट, वो भी लेगा ही लेगा, और उसके बाद आपका जो है 15 मिनट मैक्सिमम स्पंज बन के तैयार हो जाएंगे, और दोनों डेग में हम इसके अंदर अब स्पंज रखने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो भाई लोगों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर इसका एडजस्ट होने के लिए जो टाइम लेगा मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट का लेगा, और ये ठीक वैसे ही 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर इसने अपना 197 और नीचे का है 209 डिग्री सेल्सियस अपना मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर रखेंगे माल, जो कि माल बनने में कम से कम ले गए 15 मिनट का टाइम, तो 15 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं, बाकी पहले हम इसके अंदर रखते हैं माल, ठीक है, रखो इसके अंदर लेकर के आओ, ऊपर वाली शेल्फ के अंदर हम तीन रखेंगे नीचे वाले के अंदर। ठीक है, ये हमने रख दी इसके अंदर ट्रे, और अब हम मिलते हैं आपसे, ठीक ऐसे ही हमने नीचे रख दी थी, ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद जब इसके अंदर माल कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई लोग जैसे कि हमें माल रखे हुए इसके अंदर 15 मिनट तो हो ही गए हैं, इसके अंदर जो हमने टाइमर लगाया था वो भी कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके अंदर देखते हैं माल कैसा बना है। हमेशा की तरह आपको पता ही होगा कि माल कैसा बनता है, फिर भी एक बार आप खुद देख लो कि माल कितना प्रॉपर तरीके से इस बार इस ओवन के अंदर बन के आया है। जरा एक बार माल निकालो बाहर, आप खुद देखो कितना शानदार माल बना है इसके अंदर, दिखाओ जरा पास मार के दिखाओ। तो ये है स्पंज, ठीक है, इस तरीके से ही इसके अंदर माल बनता है, प्रॉपर तरीके से आया है। हमारा तीन ट्रे नीचे हैं, तीन ट्रे ऊपर हैं, एक बार नीचे की ट्रे का दिखा दो, नीचे डेक का। ट्रे का देखो कितना शानदार माल निकल गया है, दोनों में मतलब दोनों डेक में प्रॉपर तरीके से हीटिंग लगी है, और प्रॉपर तरीके से ही इसके अंदर आपका माल बन करके आया है। अगर आपको ये ओवन चाहिए तो इसका प्राइस डिटेल्स सब कुछ पूरा जो भी साइज वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं एक बार। और रही बात कॉलिंग वगैरह की, व्हाट्सएप नंबर की, वो सारे सब चीज हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए हैं, और साथ ही इंडिया मार्ट पर भी हमारी वेबसाइट अवेलेबल है। तो आपको अगर ये ओवन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए, एक कॉल करें, आपका ये ओवन बुक हो जाएगा। बाकी अब आप इसको हम करते हैं, मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी की अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।